गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम आओ लौट चले गांवों की ओर प्रकृति की ओर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको महिला सशक्तिकरण की एक ऐसी कहानी से रूबरू करा रहे हैं जिसने अकेले अपने दम पर आरंभ किए गए एक कार्य को इस प्रकार तक पहुंचाया है कि आज गांव में उनका एक पूरा का पूरा मार्ट सेटअप किया है। सिलाई का काम उन्होंने धीरे धीरे आरंभ करके एक परचून की दुकान आरंभ की। आज उन्होंने अपने ही गांव में एक चार दुकानों का पूरा मार्ट सेटअप किया है जहां गांव की महिलाएं आकर अपने जरूरत का सामान खरीद रही हैं, चाहे सिलाई का काम हो या फिर कपड़े या फिर हम उसकी परचून की जो दुकान है उससे परचून का सामान खरीदने की बात करें। गांव में ही रहकर एक ही मंच पे या एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की जो जरूरत की वस्तुएं हैं वो आज मिल पा रही हैं। ऐसी ही कहानी को आज हम इस गांववाणी स्टूडियो के बैनर तले आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इनका मार्ट इन्होंने कैसे आरंभ किया और किस प्रकार इन्होंने अपने दम पर इस काम को आगे बढ़ाया है। स्वयं सहायता समूह की महिला मोनिका जी का जो मार्ट सेटअप किया हुआ है कोठिया गांव में, तो हम आप लोगों को ये इस गांववाणी स्टूडियो के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार इस महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इनके द्वारा किए गए जो प्रयास हैं उस दिशा में जो इनके द्वारा किए गए पार्ट को हम आज इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आप लोगों तक साझा करेंगे कि किस प्रकार एक महिला होकर इन्होंने एक छोटे से परचून की दुकान से आरंभ किए गए काम को इन्होंने पूरे के पूरे एक बड़े मार्ट में तब्दील किया है और किस प्रकार ये गांव में रहकर अपने व्यवसाय को धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रही है और साथ में महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये नए नवाचार के साथ महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रही है। ये पूरा का पूरा मार्ट जो पीछे की तरफ आप देख रहे हैं ये पूरा इन्हीं के द्वारा सेटअप किया हुआ है। इनके पति साथ में परचून की दुकान पे काम करते हैं और इन्होंने सिलाई कपड़ा और कॉस्मेटिक्स का ये व्यवसाय इन्होंने अपने यहाँ कोठिया ग्राम पंचायत में सेटअप किया है। साथ में इन्होंने बताया कि किस प्रकार एक छोटी सी शुरुआत करके इन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया था। आज ये मासिक मिनिमम 6 से 8 हज़ार के बीच में आमदनी ये अर्जित कर रही हैं पशुपालन। साथ में इन्होंने स्वयं सहायता समूह में जुड़ के अपने आप को बचत और निवेश का महत्व समझने के साथ साथ इन्होंने अपने अर्जित आमदनी को अपने इस व्यवसाय में लगाकर ये सिलाई करके साथ में अपने इस मार्ट के माध्यम से आप देख रहे हैं कि लोकल फॉर वोकल का जो एक नारा था उसे आगे बढ़ाने का एक भरसक प्रयास कर रही है। इसी प्रकार की कहानियों को हम अपने गांववाणी स्टूडियो के प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो आज हमें बानसूर के कोठिया ग्राम पंचायत में आज यहाँ इनके मार्ग पे आकर और ये मूवी शूट करने का अवसर मिला, तो हम इनकी हौसले और इनके द्वारा किए गए प्रयास की काबिल तारीफ करते हैं कि इन्होंने महिला होकर ना सिर्फ अपने घर की जिम्मेदारियों का निर्वहन किया साथ में आगे आकर और इन्होंने एक मार्केट के बीचों बीच अपना एक मार्ट सेटअप करके और बाकी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने हैं। मेरा नाम मोनिका है, मैं कोठिया गांव की रहने वाली हूँ। मेरी समूह का नाम पलक है और सबसे पहले मैंने परचुन्नी की दुकान की। परचुन्नी से फिर सिलाई करने लगी, सिलाई करने से फिर मणियारी की मणियार की, फिर धीरे धीरे यो कपड़ों की दुकान करी। फिर उसके बाद में भैंस रखी, भैंस का दूध बेचकर मेरे घर वो बच्चे की पढ़ाई में लगाया। तो ऐसे काम करके मैंने 8-10 हज़ार की वो करने लग गई थी कमाई। बाकी महिलाओं को मैं ये कहूँ आप भी छोटा मोटा काम शुरू कर। तो फिर हम इसी प्रकार की कहानियों को आपके माध्यम से साझा करने का प्रयास करेंगे इस मंच के माध्यम से। धन्यवाद। आपने देखा कि किस प्रकार एक अकेले इस महिला ने अपने इस कार्य की शुरुआत की थी। आज इसकी दुकान को आप देख रहे हैं कि पूरे सामान से इस तरीके से ये लबालब भरी हुई है। चारों तरफ एक पूरा का पूरा मार्ट जैसा एक डिस्प्ले इन्होंने यहाँ पर किया है। देखकर लगता नहीं कि गांव में एक दुकान को हम इस प्रकार देख रहे हैं, लेकिन ये इनकी एक दिन की मेहनत नहीं सतत पिछले कई वर्षों की मेहनत है जिसके बदौलत इन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। इसी प्रकार की नई कहानियों के साथ आप लोगों को हम अगले रविवार फिर रूबरू कराएंगे। इनकी पूरी कहानी को पूरे राजस्थान पत्रिका में अलवर
से ज्योति जी ने प्रकाशित किया था जो पूरे संपूर्ण राजस्थान स्तर पर गई है। इसी प्रकार की महिला सशक्तिकरण की कहानियों को हम अगले रविवार फिर आपके साथ साझा करेंगे। तब तक आप लोगों से विदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।